नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं आईएनएन 24। रुक करते हैं खबरों की तरफ। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर लोरमी नगर के बाजार पारा में स्थित हाट बाजार में कांग्रेसियों द्वारा महंगाई चौपाल लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सागर सिंह बैस ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने से पहले 2014 में पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क 9.48 रुपये प्रति लीटर था और डीजल पर 3.56 रुपये प्रति लीटर, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर पेट्रोल पर 19.90 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 15.80 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। इसी तरह सब्जियों की कीमतों में 45% तक वृद्धि हुई है। नमक 41% महंगा हुआ है। दालें 7 से 65% तक महंगी हो गई है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी कीमत इस सरकार में ना बढ़ी हो। मोदी सरकार महंगाई को तो नियंत्रित नहीं कर पा रही, उल्टा पहले से ही परेशान जनता पर टैक्स का बोझ डालकर अपना जाना भरने में लगी है। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।